हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है और आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को डर भी लग रहा होगा और थोड़ा बहुत डर लाजमी भी है। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि एग्ज़ाम के दिन क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के दिन कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। मैं आज आपको चार पांच बातें बताऊंगा जिनको एग्ज़ाम के दिन आपको जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम्स क्लियर किया है और ये सारी बातें मुझे एग्जाम के दिन बहुत काम आती थी। अब 2-3 दिन के अंदर आप तैयारी जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करिए, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट है तैयारी का होना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है उस दिन के लिए प्रिपेयर होना। एग्जाम के दिन पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, साइकोलॉजिकली आपको रियलिस्टिक रहना है। आपको अपने आप से ज्यादा हाई होप्स नहीं रखनी है। यूपीएससी में 100% सिलेक्शन नहीं, 100% स्कोर नहीं करना है। 55% पे तो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको साइकोलॉजिकली फियर में नहीं रहना है, आपको रियलिस्टिक रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि 50 क्वेश्चन भी सही होंगे तो भी सिलेक्शन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये, एग्जाम में आपको अगेन घबराना नहीं है। कई बार इनिशियली हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, किसी पर्टिकुलर सेट में, सेट ए या सेट बी में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, तो आपको उससे डरना नहीं है क्योंकि यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो आपका अगर इनिशियली डिफिकल्ट है तो वो बाद में इजी हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर ईयर में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं और स्टूडेंट वहीं पे घबरा जाते हैं कि अब हमारा प्री नहीं होगा। माई फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर ईयर में कट ऑफ भी कम जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है। सभी लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। अगर पॉलिटी से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब सभी के लिए डिफिकल्ट आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं इंटेलिजेंट होने के बाद भी, कि वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन बबल लास्ट में भरते हैं। ये तो मैं 100% स्ट्रांगली मना करूंगा। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसको तुरंत बबल कीजिए, बबल बाद में नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल फियर होता है नेगेटिव मार्किंग का, कि हम वही अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमें आता है। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा, आप अगेन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिस्टिक कोई भी कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपने स्मार्ट गेस किया है और आपने एलिमिनेट करने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 35 रॉन्ग होते हैं, ध्यान से सुनिए, 35 रॉन्ग होते हैं तब भी आपका स्कोर 53+ है। 35 रॉन्ग अगर आप नॉर्मल भी लगा देंगे तो भी 35 से ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना है और एलिमिनेट करके कुछ ऑप्शंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर एग्जाम के दिन हो सकता है आपको नींद ना आए, और अगर नींद नहीं आई तो आपको लगेगा कि मेरा दिन खराब हो जाएगा और आप मॉर्निंग से टेंशन में रहोगे कि आपको नींद नहीं आई। ये भी साइकोलॉजिकल है क्योंकि भले ही आपको नींद ना आई हो, लेकिन यूपीएससी के 2-2 घंटे के जो 2 पेपर है, सी सेट और जीएस, उसमें आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज, यूपीएससी में वैसे भी टाइम क्रंच नहीं है दोनों ही पेपर में। क्यों? जीएस में तो टाइम क्रंच बिल्कुल नहीं है क्योंकि जीएस में आप कम से कम 2 राउंड तो मिनिमम लगा सकते हो। इसका मतलब स्पीड और टाइम क्रंच मैटर जीएस में तो बिल्कुल नहीं करता है, और सी सेट में भी नहीं करता है क्योंकि सी सेट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 33% जितना भी आपको लाना है उसके लिए वैसे भी 2 घंटे सफिशियंट है। अब आपकी तैयारी जितनी है उस तैयारी के साथ उस पर्टिकुलर दिन पे अगर आप कॉन्फिडेंटली सिर्फ उतना अटेम्प्ट करेंगे जितना आपको आता है, और उसके बाद आप अगर स्मार्ट गैसेस लगाएंगे तभी सिलेक्शन होगा और हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेंशन में रहेंगे, डर में रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचेंगे, आप डिफिकल्ट क्वेश्चनों से स्टार्टिंग में घबरा जाएंगे और आप कट ऑफ के बारे में सोचने लगेंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो जाए। अगर मैंने और बाकी कुछ लोगों ने हर बार प्री निकाला है तो यकीन मानिए कि इट वॉज नॉट ओनली नॉलेज, इट वॉज द स्ट्रैटेजी ऑन द एग्जाम डे विच ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। इसलिए आप इन बातों को प्लीज अप्लाई करिएगा और आपको 100% रिजल्ट आएगा। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, और आप लोग अपने पर्सनल डाउट्स जो है क्वेश्चन के थ्रू भी भेज सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखना है, सिस्टम के ऊपर फेथ रखना है, कूल माइंड के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और रियलिस्टिक रहना है। 100% नहीं चाहिए, किसी को नहीं आता। ओके, चलिए, बेस्ट विशेज, थैंक यू सो मच।